वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं, अगर आप इस वीडियो को विदाउट हेडफोन देख रहे हो तो जल्दी से आप अपने हेडफोन्स को लगा लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर भर भर के गालियाँ दी गई है। थैंक यू सो मच। इस गेम को खेलने के पीछे पूरा पूरा मकसद है कैरी मिनाटी का, क्योंकि मैं उसकी स्ट्रीम्स को रेगुलरली देखता हूँ और उस दिन वो गेटिंग ओवरइट खेल रहा था। और इस वीडियो के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे भी इस गेम को खेलना है। और वो कौन सी वीडियो थी उसका छोटा सा क्लिप आप पहले ये देख लो। तो बस उस स्ट्रीम को देखने के बाद मेरे अंदर भी ये आया कि ऐसा क्या है इस गेम के अंदर जो कैरी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो जानने के लिए मैंने भी इस गेम को खेला, और मैंने इस गेम को कैसे खेला वो आप देखिए इस वीडियो में आगे। इस गेम को मैं फ़र्स्ट टाइम खेल रहा था तो मुझे इसके कंट्रोल ठीक से पता नहीं थे, पर मैं कोशिश कर रहा था, देख के समझ आ रहा था कि गेम को कैसे खेलना है, बट मुझे इसके कंट्रोल्स बिल्कुल भी पता नहीं थे, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही नूब के जैसे इसको खेल रहा हूँ। और आगे कोशिश करूँगा कि अपने गेम को अच्छा बनाऊं। और जब मैं सीखता गया, ये उसी दिन का वीडियो है जब मैं थोड़ा और आगे पहुंच गया था, मैंने बहुत कोशिश कर लिया पर ये स्टेज मुझसे बिल्कुल भी पार नहीं हो रहा था। मैंने सोच लिया था कि इस गेम को अनइंस्टॉल करना है, पर तभी मुझे याद आए नवाज़ भाई, और नवाज़ भाई कहते थे भगवान को मानते हो, और मैंने भगवान को याद किया और भगवान से कहा ए भगवान मुझे बस ये स्टेज क्लियर करवा दे। और नवाज़ भाई बोले भगवान को लंड फर्क नहीं पड़ता। पर मैंने ठान लिया था कि मुझे इस गेम को आधा तो पूरा करना ही है, और मैं लग गया इस मिशन में। उसके बाद दिन, महीने, हफ्ते, साल बीतते गए, लेकिन मैं वही फंसा रहा जहां मैं पहले दिन से था। और फिर मेरे लाइफ में आई कांता भाई। कांता भाई कहती थी तुझे जिंदा रहने का है तो डेयरिंग कर। और उस दिन के बाद से अपन साला कुछ और ही बन गया। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला कौन बोला, अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी राख से दूर जा अब तलाश में, परवाज देख परवाने की आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी भेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छा वक्त ज्यादा देर साथ नहीं देता, जितनी स्पीड से मैं ऊपर गया था उससे दुगनी स्पीड से मैं नीचे भी आ गया। समय बढ़ता गया, मैं सीखता गया, और सीखते ही सीखते मैं नीचे आता गया। फिर एक दिन मुझे इस स्टेज को पार करने का ट्रिक्स पता चल गया था, और मैंने वो ट्रिक लगाया ऐसे ऐसे और ऐसे, बहुत सिंपल था। उसके बाद मैंने अपने केकड़े को फंसाया नीचे और पुश किया ऊपर, और मुझे पता चल गया था कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो पुश करो और खुश रहो। काफ़ी कोशिशों के बाद मैं इस स्टेज तक तो पहुंच गया था, और अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद मैंने कुछ ये किया, बस यहाँ से हमको एक जंप लेना है ऐसे 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 ऐसे, सिंपल टेक इट ईजी, और यहाँ पे बैठ जाना है ऐसे। अबे नहीं यार, बस बस बस, अब वो सीसीटीवी फुटेज पे हमें छा जाना है ऐसे बस। अब वो सोफ़ा सेट पे जाना है, यहाँ पे अपनी स्टिक लगाए एंड जंप, सोफ़ा सेट से थोड़ा सा पीछे हमें अपने स्टिक को लेना पड़ेगा, छोड़ो ऐसे जंप ले लेंगे। एक और जंप लेना है, 1 2 3 लेट्स गो। देखा आपने कैसा लैग मार रहा है मेरा फ़ोन। एक और जंप लेना है हमें, नो किया नो किया, ओ बेबी 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 को मैं पसंद है, बस हम करने वाले हैं
बात सही है, मैंने सोच समझ के किया है। बस ये सही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। तो पूरे 7 दिन की तपस्या के बाद मैं फाइनली वहाँ तक तो पहुँच गया था जहाँ तक कैरी भी पहुँचा, इसके आगे कैरी भी गया नहीं था। मैं उस ऑरेंज वाले स्टेज तक पहुँचा, उसके बाद क्या हुआ वो आप अभी देख ही लोगे आगे। और मैं चाहता ही नहीं कि मैं इस गेम को दोबारा खेलूँ। अगर आप इस गेम को खेलते हो तो मत खेलो यार, अगर आप बहुत अच्छा खेलते हो तो ज़रूर खेलो, वरना इस गेम को खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ही बकवास गेम है ये। मैंने इस गेम को बस मज़े मज़े में खेला था, पर इसे खेलने के बाद मैं अपने आप को बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही घटिया गेम है। और प्लीज़ आप इस गेम को ना ही खेलें तो ही अच्छा है। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तब मुझे पता था कि मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ, बट मेरा मकसद था कि मैं इस गेम पे यहाँ तक पहुँच जाऊँ, बस इतना ही चाहता था मैं। और मैं पहुँचा यहाँ तक, जिस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है, खुशी है। मैं इसके ऊपर कभी नहीं जा पाऊँगा, ये बात मुझे अच्छे से पता है। और सबसे पहले तो इस ऑरेंज को मैं धक्का मारूंगा संभल कर, कहीं मैं खुद पीछे ना जाऊँ, इसलिए कुल्हाड़ी को उठा लूँगा ऊपर। देखिए, इसी चीज़ का मुझे डर था। दूसरा ट्राई करूँगा मैं, क्योंकि इस ऑरेंज के ऊपर अगर मैं बैठा तो मैं गिर सकता हूँ। तो इस ऑरेंज को मारो धक्का और अपने मटके को बैठाओ इस ऑरेंज के ऊपर, जहाँ पे ऑरेंज रखा हुआ था, इस लाल टेबल के ऊपर। ये मटका मन बैठेगा भी यहाँ पे। बस हमें एक प्यारा सा जंप लेना है यहाँ से बैठ करके, और अगर मैं यहाँ से गिरा तो कैरी भैया आएंगे, अपना एक्सप्रेशन देंगे। तो मैं बैठा लूँ पहले अपने आप को अच्छे से, सावधानी से। यहाँ पर आपको अपना पेशेंस दिखाना है, आप जितना काम रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतने ही अच्छी तरीके से आप जंप ले पाओगे। तो बस यहाँ से देखिए, आप स्टिक आपका पहुँचेगा नहीं वहाँ तक, तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ से एक जंप लेना होगा। तो मैं कर लूँगा अपने आप को तैयार, और ये पोजीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे करना है स्टिक को सीधा। सीधा करने के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो हाथों को बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके ही आप स्लाइड करें, जैसे मैं कर रहा हूँ इस वक्त। हैंड कैम होता तो आप समझते कि मैं कैसे कर रहा हूँ। हाँ बस ये बिल्कुल सीधा बैठा है। अब मुझे बस ऊपर जंप लेना है और ऊपर अपने स्टिक को फंसाना है। तो 3 2 1 लेट्स गो। चलो, डर लग रहा है यार, कैसे करूँ। हो जाएगा हो जाएगा, मुझे बस जंप लेना। चुप साड़।